स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज किस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्या YouTube के लिए बेस्ट बैंक कौन सा है। जी दोस्तों, अगर आप एडसेंस से पैसा कमाते हैं तो वहां पर आपको बैंक भी ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा बैंक अच्छा है जो कि आपको सर्विस देने में या किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम ना आए, अगर आए तो सर्विस जल्दी मिले और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इसके लिए सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। तो चलिए आज किस वीडियो में, तो यही देखिए तो बात दोस्तों, आपको अगर एडसेंस से पैसा लेते हैं ना, तब आपका बैंक जो है ना सरकारी में नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी में खुलवाते हैं जैसे SBI, PNB, सेंट्रल बैंक, इसके बाद और सारे बैंक हैं जो सरकारी है, अगर ऐसे बैंक में आपका अकाउंट है ना, तो आप एडसेंस से पैसा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा बात है, आप ले सकते हैं, लेकिन वहां पर दिक्कत आएगा बहुत सारा। अब बहुत सारा क्या क्या आएगा देखिए बताते हैं। पहले पेमेंट कट के आएगा, पेमेंट कटना बहुत आम बात है सरकारी बैंक में। इसके बाद ज्यादा कटेगा, ज्यादा पेमेंट कटेगा, और इसके बाद क्या होगा कि आपका पेमेंट में जो है ना, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया, किसी भी तरह का लफड़ा आया, मतलब किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम आता है ना, तो उसका सॉल्यूशन जल्दी नहीं होगा, आपका बात जल्दी नहीं सुना जाएगा। और इसके बाद चौथी बात, अगर आपके पेमेंट में कहीं भी मतलब रुक जाता है या कुछ भी हो जाता है, या बैंक में आपको कुछ एक्सेप्ट कराना है, जैसे अगर पेमेंट आपका नहीं आया, उसके बारे में जानकारी लेना है, या में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आता है ना, तो अगर आप गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट है आपका और वहां पर एडसेंस से पेमेंट लेते हैं, तो वहां पर आपका इतने सारे प्रॉब्लम जो होता है इसका कोई भी सोल्यूशन जल्दी नहीं होगा। अगर जान पहचान है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो इसका तो मतलब साफ है कि सबका जान पहचान नहीं होता है बैंक में, सबका कहीं ना कहीं सोर्स नहीं होता है, तो सिंपल सा बात है कि वहां पर आपका काम नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं फिर हम कहाँ खुलवाए, मतलब हमारे लिए कौन सा बैंक फिर अच्छा रहेगा, इन सारे काम को सर्विस मिले हमें, हर एक मतलब आज अगर प्रॉब्लम आया तो 5 दिन के अंदर हमारा काम हो जाए, 10 दिन के अंदर का हमारा काम हो जाए, या 2 घंटे, 4 घंटे या 10 घंटे में काम हो जाए, तो इसके लिए कौन सा बैंक अच्छा है। तो देखिए इसके लिए आपके पास जो है ना एक ऑप्शन है, वो है प्राइवेट बैंक। अब प्राइवेट बैंक क्यों अच्छा है, तो देखिए आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, या आपके साथ किसी भी तरह का मतलब होता है ना, प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो उसका सॉल्यूशन आपका करके दिया जाएगा, वो भी ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता, 1 से 2 दिन में आपका कितना भी बारी प्रॉब्लम होगा ना, तो वो सॉल्यूशन करके ही देंगे। तो अब हम बात करते हैं देखिए प्रॉब्लम क्या क्या है। तो वो चार प्रॉब्लम था, उस चार प्रॉब्लम में से किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आता है ना, तो उसका सॉल्यूशन करके देंगे। और वहां पर एक फायदा है, आपका जो है ना, जो आपका पैसा एक्सचेंज होता है उसमें रेट ज्यादा लगाया जाता है, जो भी मतलब रेट होता है ना नेशनल, वो रेट दिया जाता है। और इसके साथ ही क्या होता है ना कि बैंक जो रिसीव करता है ना, तो उसको आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा वहां पर, आपको सिर्फ बैंक को एक इन्फॉर्म करना होता है, एक मेल कर सकते हैं आप, नहीं तो एक किसी भी तरह से इन्फॉर्म करना होता है आपके ब्रांच में, ब्रांच में कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पे या जहाँ भी, मतलब आप इन्फॉर्म कर दिए अपने बैंक, जिस भी कंपनी में आपका बैंक है, जैसे मतलब जिस भी बैंक होता है ना प्राइवेट बैंक, उसमें किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है ना, तो उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारा पैसा आया हुआ है, और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और वहां पर कटने की बात करें ना, तो बहुत कम कटता है। अब ये परसेंटेज के ऊपर होता है कि कितना परसेंट करता है, और बैंक के ऊपर होगा, प्राइवेट अपना अपना एक परसेंटेज बना कर रखते हैं कि इसमें ये, मतलब हर तरह का अलग अलग सिस्टम बना कर रखते हैं, तो वो भी मतलब उसके हिसाब से ही कटेगा, और डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, लेकिन ज्यादातर मुझे विश्वास, मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा नहीं कटेगा, इसका गारंटी भी है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन मैं बता दूं तो गूगल एडसेंस के लिए सबसे अच्छा बैंक है प्राइवेट, और सरकारी में लेते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन बैंक अच्छा, वो भी अगर सोर्स है तब, पहुंच है तब, नहीं तो आपके लिए सबसे अच्छा बैंक है प्राइवेट। अगर गूगल एडसेंस से आप पेमेंट लेना चाहते हैं प्राइवेट बैंक में, तो आप खुलवा सकते हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा है, यस बैंक है, बहुत सारे बैंक है, उसमें आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर सेंट्रल बैंक या PNB में या SBI में किसी भी तरह का इसमें लेते हैं, तो मतलब आ तो जाएगा, सब काम होगा, लेकिन वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सरकारी बैंक है ना, तो वहां पर सब अपने में राजा होता है,
तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे हमारे बात को, जो भी मैं कहना चाहता हूँ तो समझ गए तो कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।